पिछले लंबे समय से कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और यह सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए अजय सिंह यादव का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की अनदेखी की जाती है और उपेक्षा से प्रताड़ित होकर कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में योग्यता और अनुभव के आधार पर प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान और काम दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी में चाहे रामनिवास रावत जी हों, चाहे कमलेश शाह हों या अन्य भी वरिष्ठ नेता हों, सभी की उपेक्षा करने की परंपरा रही है और ऐसे नेता विशेष करके जो पिछड़े वर्गों से हैं, वंचित वर्गों से हैं, उनको कांग्रेस नेतृत्व द्वारा लगातार परेशान किया जाता है और परेशान होकर ऐसे नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने जैसा कदम उठाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जब उन्हीं वरिष्ठ नेताओं को उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान देती है, जिम्मेदारी देती है, तो कांग्रेस के नकारा नेतृत्व को तकलीफ होती है। कांग्रेस पार्टी मूल रूप से आदिवासी वर्ग की विरोधी है, पिछड़े वर्गों की विरोधी है, वंचित वर्गों की विरोधी है। कांग्रेस पार्टी एक नकारा विपक्ष बन के रह गई है।